डभोई तालुका के बंबोज गांव स्थित सिकोतर माता दी के मंदिर पर आज माता दी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए धार्मिक पर्व का आयोजन किया गया। डभोई तालुका के बंबोज गांव स्थित सिकोतर माता जी के मंदिर पर आज नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए पूजा विधि के साथ धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। डभोई तालुका के बंबोज गांव स्थित सिकोतर माता जी के मंदिर पर पहले मूर्ति खंडित हो जाने के कारण माता जी की नई मूर्ति लाई गई थी, तो वही नवरात्रि पर्व अंतर्गत शुभ अवसर का लाभ लेते हुए आज नवरात्रि के पहले दिन माता जी की प्रतिमा की स्थापना करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करते हुए धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डभोई के विधायक शैलेश मेहता की मौजूदगी में और उनके हाथों से सिकोतर माता दी की प्रतिमा की पूजा विधि और स्थापना की गई। इस मौके पर विधायक शैलेश मेहता के साथ वकील अश्विन भाई पटेल, बंबोज गांव के सरपंच सहित गांव के आगेवान और भारी तादाद में गांव लोग मौजूद रहे थे। आज रोज नवरात्रि का प्रथम दिवस सिकोतर माता दी ने मूर्ति मंदिर ने ऊपर लगा ली, थोड़ी खंडित थी गई होती, नवी मूर्ति अनावरण करवामां आवनार छे अने ए मूर्ति आजे अहीं मंदिरमां लावामां आवी छे। दुआजी द्वारा एनो पूजा विधि आरती समग्र प्रक्रिया करवामां आवी छे अने आ नवरात्रिना नौ दिवस दरमियान ज ऊपर अधूरू काम पूरू थया पछी आ मूर्तिनी स्थापना ऊपर थशे। सिकोतर माता पासे आजना दिवसे એટલી જ અભ્યર્થના કે જે કોરોના નામની મહામારી સમગ્ર દેશ અને દુનિયામાં ફેલાવી છે એમાંથી માનવ જાતને મુક્તિ આપે, કારણ અત્યારે છેલ્લા વર્ષ જેવું થવા આવશે ત્યારે લોકો હેરાન પરેશાન થઈ ગયા છે, ત્યારે એમાંથી મુક્તિ અપાવે અને ડભોઈના પ્રતિનિધિ તરીકે ધારાસભ્ય તરીકે મા પાસે એટલે શક્તિ માંગવી કે ડભોઈના જે વિકાસના કામો હાથ પર લીધા છે વિકાસના કામો પૂર્ણ કરવા માટે મને શક્તિ આપે।